सो अभी हम रास्ते में एक लंच के लिए स्टॉप लिए हैं। सो ये रेस्टोरेंट का नाम है अरोमा हैदराबाद बिरयानी। यहाँ पे बिरयानी, कबाब और हैदराबाद का स्पेशल फूड है वो यहाँ पे मिलता है। सो अभी हम इनके स्टाफ से बात करेंगे, देखेंगे फीडबैक कैसा है कस्टमर का और ये रेस्टोरेंट का लोकेशन क्या है, मेन्यू में क्या क्या है और थोड़ा ग्लिम्स किचन का भी दिखा देते हैं। तो अभी हमारे साथ होटल के स्टाफ है, मैनेजर हैं और कुक हेड कुक हैं। तो अपना नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम राजेश कुमार सानी है। अच्छा, राजेश कुमार सानी। और आपका? फजल सर। फजल। सो ये रेस्टोरेंट कब से है यहाँ पे? एक्चुअली ये रेस्टोरेंट मिनिमम 7 to 8 years हो गया। 7-8 years हो गया। और ये लोकेशन एक्चुअली ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन आप इसको पिन डाल सकते हैं 411057, यानी कि ये हिंजवाड़ी मेगा पॉलिस फेज 3 है। अच्छा, हिंजवाड़ी फेज 3 का है ये लोकेशन। फेज 3 में। और यहीं पे मेट्रो का काम चल रहा है सामने। मेट्रो का काम चल रहा है। और क्या स्पेशल मेनू है आपका? स्पेशल मेनू मतलब हमारा वीकेंड में रहता है 3 days, टुडे स्पेशल करके हम स्टार्टर्स और बिरयानी लगाते हैं। जैसे कि आज संडे है तो आज का स्पेशल रहेगा मुर्ग अचारी टिक्का और एक रेड हॉट चिकन। ये दोनों स्टार्टर हमारा स्पेशल डिश रहेगा टुडे। और मतलब चेंज होता रहता है, शुक्रवार को अलग रहता है, शनिवार को अलग रहता है, संडे अलग रहता है। सो ये मेनली हैदराबाद बेस्ड डिशेस है सारे? हाँ, मतलब ऐसे सारे नहीं है, मतलब पंजाबी डिश भी है और नॉर्मल भी डिश है। अच्छा अच्छा। और महाराष्ट्रियन फूड है? महाराष्ट्रियन फूड थोड़ा बहुत है। अच्छा ठीक है। सो फीडबैक कैसा है कस्टमर्स का? कस्टमर बता सकते हैं कि आप ये पिछले 3 months का भी देखेंगे ना, तो ज़्यादा करके आपको 4.5 star हमारे को बेटर रहता है। अच्छा। और आपका होम डिलीवरी सर्विस भी है? होम डिलीवरी सर्विस भी है। कितना, 2 kilometer रेडियस, 3 kilometer रेडियस? मिनिमम यहाँ से फेज 1 तक भी हम डिलीवर कर सकते हैं। फेज 1 कितना किलोमीटर है? 6-7 kilometer। 6-7 kilometer तक। और जोमेटो स्विगी में है आप? जोमेटो स्विगी तो है कंपलसरी है। कस्टमर भी रेगुलर भी, जो भी कस्टमर है, फैमिली वाले है चाहे कंपनी वाले, रेगुलर आ रहे हैं हमारे पास जितना। अच्छा। है वो रेगुलर है, उनका भी फीडबैक यही है कि जितना ओपन रहेगा उतना कस्टमर बढ़ेगा धीरे धीरे। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से और नया कोरोना और ऊपर से ओमिक्रॉन भी नया है, तो थोड़ा बहुत कस्टमर को प्रभाव पड़ता है, लोग बाहर आने से डरते हैं। बट हमारे पास कैसा है, टोटल स्टाफ वैक्सीनेट है, सेकेंड डोज भी हो गया सबका, तो हमारे इधर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर भी बेझिझक यहाँ पे करते हैं। और स्टाफ को तो आपने वैक्सीनेट कर दिया है, बट सैनिटाइजेशन का कैसा है? रेगुलर सैनिटाइजर होता है रेगुलर। सुबह जैसे कि ओपनिंग हो गया ना, 10:30 बजे के बाद हम गेट, जो भी है लोकेशन का सामान, वुड सबको हम सैनिटाइज करते हैं, टेबल, मेन्यू कार्ड, यहाँ तक कि जो भी स्पून वगैरह यूज करते हैं वो तो क्लियरली हॉट वाटर से, गर्म वाटर से क्लियर करके उसको यूज करते हैं। अच्छा अच्छा। मैं क्या खिलाने वाले हैं आज? सर मैं तो प्रोवाइड करूंगा आपको, सबसे पहले आप हमारे यहाँ का सूप पीजिए। हाँ। हमारा बेटर रहता है। अच्छा, सूप अच्छा रहता है, शोरबा अच्छा रहता है? सूप भी अच्छा है, शोरबा भी अच्छा है। शोरबा कैसा रहता है, वो थोड़ा स्पाइसी होता है। अच्छा, स्टॉक वाटर से बनता है, ऊपर से बनता है, ऊपर से आपका जो मसाला जो रहता है ना, पूरा अखा मसाला यूज होता है, होल मसाला यूज होता है, इसके लिए थोड़ा स्पाइसी लगता है। बट ठंडी के लिए शोरबा अच्छा है? ठंडी के लिए भी शोरबा भी अच्छा है, सूप भी अच्छा है। ठंडी के लिए मैन्युफैक्चर आपको मंचा सूप ही बेटर रहता है। ठीक है, एक मंचा सूप देन। और स्टार्टर में क्या देंगे? स्टार्टर में आप दो है हमारे पास, बट आप ट्राई करिए, आप ऑयल फ्राई बेटर रहता है हमारे पास। अच्छा, ऑयल फ्राई जो हमारा स्टार्टर रहता है 2-3, उसमें से काजू चिकन हमारा फेवरेट है। ठीक है, काजू चिकन कर दीजिए, देन उसके बाद तो मेन कोर्स में बिरयानी ही रहेगा। ठीक है, रोटी करी भी है? नहीं, हम बिरयानी लेंगे। ठीक है, रोटी करी तो नॉर्मली खाते ही रहेंगे, तो हमारा स्पेशल जो है वो ट्राई करिए। ठीक है, अच्छा ही लगेगा। ठीक है, आप स्पेशल बिरयानी कर दीजिए। ठीक है।
थर्ड में वो उसका मसाला है गार्लिक। तो ये चिकन मिन्स है, चिकन कीमा। ये चिकन के लिए बनना है स्टार्टर। अच्छा हो गया। इसमें जिंजर है, गार्लिक है, ग्रीन चिली है, करी पत्ता है। इसमें जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, करी पत्ता, धनिया और करी लीव्स। अच्छा करी लीव्स, हाँ करी पत्ता, कोरिएंडर, हाँ लेमन। इसका एक दो मिनट मेल्ट करेगा, उसके बाद इनको ऑयल में फ्राई करेगा। डिफॉल्ट लेमन हो गया। ये भी काजू डाल दिया। सॉस है ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली पेस्ट, रेड चिली पेस्ट। ये चिकन मटन है, चिकन दम बिरयानी, चिकन का दम बिरयानी, जो जो प्रॉपर बिरयानी रहता है वो है। हाँ हाँ। और मटन का, मटन का भी अवेलेबल नहीं है। और ये मतलब रेगुलर वेज, वेज बिरयानी सेपरेट सेपरेट रहता है, वेज और नॉन वेज। अच्छा तो अभी हमारा लंच ख़त्म हो गया है। सो हमने लिया था स्पेशल चिकन बिरयानी विद बोन, और वो तो मेन कोर्स में था। स्टार्टर में था काजू चिकन और सूप लिया था। तो ये जो तीनों आइटम थे काफ़ी अच्छे थे। बिरयानी भी तो काफ़ी अच्छा, मैंने हैदराबाद में भी टेस्ट किया हैदराबादी बिरयानी, तो यहाँ पर भी टेस्ट किया, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो इनसे भी मिल लेते हैं जो क्लोज़ करने से पहले। ये स्पेशल बिरयानी का आप कॉन्सेप्ट क्या रखते हैं? कॉन्सेप्ट क्या रहता है उसका? मसाला सेपरेट रहता है, मसाला जो रहता है ना उसका अरोमा का मसाला अलग से बनता है। हैदराबादी जो दम बिरयानी रहता है ना उसका मसाला प्रॉपर हैदराबादी टाइप का रहता है, और अरोमा जो रहता है जो हमारा ब्रांड है एक मसाला सीक्रेट है, वो सेपरेटली हम उसको मसाला तैयार करते हैं अरोमा के लिए, और कस्टमर को खूब अच्छा लगता है हमारा जो अरोमा स्पेशल बिरयानी है। मेन उसका जो है गार्निशिंग और टॉपिक जो है वो बेस मेन। इसमें आप कंटेंट का बात करेंगे तो अरोमा में ज़्यादातर काजू यूज़ करते हैं, बॉयल्ड एग, मतलब नॉन वेज। मैंने देखा बॉयल्ड एग आपने ग्रेट करके डाला। नॉन वेज रहेंगे तो बॉयल्ड एग रहता है ग्रेट, अगर वही वेज में लेंगे आप तो एग के जगह आपको पनीर रहेगा। हमारा जो बेसमेंट है वो अरोमा का जो फ्लेवर है वो अलग है, बेसमेंट में जो कोटिंग रहता है और कोटिंग और टॉपिंग जो है हमारा बेस्ट रहता है उसका। अच्छा ठीक है। सो अभी ये T5 व्लॉग्स साइन ऑफ करने का टाइम आ गया है। सो अभी हम साइन आउट कर रहे हैं। सो वी आर हेडिंग टू द होम। आप कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा आपको। आप यहाँ पे आएंगे तो इनको फीडबैक भी दीजिए कि इनका खाना कैसा रहता है। प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छा है, इनका सर्विस भी अच्छा है, हाइजीन भी मेंटेन करते हैं, और सैनिटाइजेशन का भी बात किया था तो सैनिटाइजेशन भी करते हैं। जो स्पून वगैरह रहता है उसको ये लोग हॉट वाटर में सोक करके उसको क्लीन करते हैं। और फ्रेंड्स अभी हम साइन आउट करते हैं TFA व्लॉग्स। अगर यहाँ तक दिख चुके हैं तो आप ये बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट कीजिए, और ये रेस्टोरेंट के बारे में कुछ अगर क्वेश्चन है तो वो भी पूछिए, मैं आंसर कर दूँगा। सो अभी के लिए साइनिंग ऑफ द डे, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।